Hello dear students, welcome back to the GDC Live. GDCians always maintain their traditions. और उसी traditions को maintain करते हुए GPAT 2023 में भी GDCians ने अपनी जीत का परचम लहराया. और उसी topper stock sequence में आज हमारे साथ हमारे next student हैं कुणाल पांडे, who have got all over India 66th rank in GPAT 2023. And this is a very proud moment for us कि हर state से आपको रैंक देखने को मिलेंगी. और कुणाल के बारे में थोड़ा सा मैं शुरुआत करूं. फर्स्ट ऑफ ऑल कुणाल, अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रिजल्ट एंड वेलकम टू द जीडीसी. थैंक यू सर. कुणाल, आप अपने थोड़े से कॉलेज लाइफ में मुझे लेके चलिए. कैसा था आपका कॉलेज लाइफ और कैसे आपने जीपैट की जर्नी शुरुआत किया वहाँ से? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलेज लाइफ से सर मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा प्लीज. कॉलेज लाइफ से पहले की, हाँ जी. तो सर मेरा नीट नहीं हुआ था, देन आई डिसाइडेड टू डू समथिंग एल्स. ओके. सो मुझे लगा कि मेरे पैशन से जो सबसे क्लोज चीज़ है वो फार्मेसी होगी. ओके. तो मैंने फार्मेसी पर्सू किया. हाँ जी. तो जब फर्स्ट ईयर में कॉलेज में गया तो मुझे लगा कि ऐसे तो चलेगा नहीं, क्योंकि बी फार्म के बाद पे ग्रेड्स उतनी खास है नहीं. बिल्कुल. और काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है. और हाँ, मुझे लगा कि आई डिजर्व समथिंग मोर. करेक्ट. तो फिर मैंने इंटरनेट पर सर्च किया कि क्या करना होता है. तो उसमें मुझे सबसे पहले पता चला नाइपर एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है जो कि अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फार्मा एडुकेशन के लिए. फिर मुझे वहाँ पर जीडीसी कहीं से लिख के आया था कि जीपैट डिस्कशन सेंटर. फिर मैंने वहाँ पर क्लिक किया तो पता चला कि अच्छा, जीपैट डिस्कशन सेंटर एक अच्छी इंस्टीट्यूट है जहाँ से बच्चे तैयारी करते हो और प्रिपरेशन करके निकालते भी हैं सर. ओके. कॉलेज लाइफ में सर मेरी सर काफ़ी एवरेज कॉलेज लाइफ थी सर. कॉलेज भी मेरा यूनिवर्सिटी एवरेज था. हाँ जी. जहाँ पर एवरेज बच्चे पढ़ते थे सर. करेक्ट. आपसे पहले कोई अंडर 100 रैंक में वहाँ से आया था? नो सर, मुझसे पहले मेरे यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में किसी ने भी अंडर 100 स्कोर नहीं किया है. मैं आपके जैसे यूनिवर्सिटी को जानता हूँ तो मुझे वो चीज़ याद है. हाँ, स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं बट अंडर 100 रैंक कोई नहीं आया. तो एक अलग फील भी आया होगा रिजल्ट आने के बाद? सर, फील तो अलग आई थी सर. जैसे ही मैं जीपैड दे के निकला था तो उसके बाद आंसर की आई मैंने मैच के, फिर आपको फ़ोन लगाया. करेक्ट. आपने कहा कि तुम्हारा अंडर 100 आ सकता है. तो एक अंदर में एक थी आशा कि हाँ आ सकता है अंडर 100. फिर जब रिजल्ट आया तो इट वाज क्वाइट इनसेन. एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी. और रिजल्ट देखने के बाद फिर रिजल्ट देखने के बाद सर काफ़ी अच्छा लगा सर. आई हैड बटरफ्लाई इन माय स्टमक. अच्छा लगा कि हाँ अच्छा किया. फिर टीचर फर्स्ट पर्सन जिसको आपने रिजल्ट देखने के बाद कॉल किया? फर्स्ट पर्सन जिसको रिजल्ट देखने के बाद सर मेरे फ्रेंड को मैंने कॉल किया था, क्योंकि उसने बोला था कि रिजल्ट निकल चुका है, तुम चेक करो फिर बताओ मुझे. ओके. चलिए, बहुत बढ़िया. ओके, अब ये तो रिजल्ट हो गया, प्रिपरेशन हो गया. नाउ अब आपकी प्रिपरेशन में जीडीसी कहाँ से और कैसे एनरोल्ड हुई? सर, मेरे प्रिपरेशन का जो मेजर बल्क है सर, जो मेजर पोर्शन है सर, वो जीडीसी का है एक तरह से कह सकते हैं. और है ही सर, क्योंकि मैं जिस कॉलेज से पढ़ा हूँ सर, वहाँ पर टीचर्स ठीक ठाक है. और सर एक ट्रेडिशन होता है जहाँ पर कि बच्चे हर साल निकालते हैं, क्रैक करते हैं, तो एक गाइडेंस सीनियर का मिलता रहता है. वो हमारे यहाँ उतना कुछ खास नहीं था. बिल्कुल. और जीडीसी में सर टीचर्स काफ़ी बढ़िया है. उन्होंने मुझे गाइड किया क्या चीज़ें मेन बात है सर कि फार्मेसी का सिलेबस वास्ट ओशन जैसा है. वहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है आपको, क्या चीज़ें स्किप करनी है, कौन से चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, जैसे लैक्मिन के टेबल्स पढ़ने, तो ये सब कौन बताया सर? अगर जीडीसी नहीं होती तो मुझे कोई पता नहीं चलता कि कहाँ मुझे फोकस करना है. और ये सारी चीज़ें आपके मन में सवाल आए और आप जीडीसी प्राइम कोर्स में एनरोल्ड हुए. यस सर. आप जीडीसी प्राइम में कब एनरोल्ड हुए? सब जब मैं फोर्थ सेम में था लॉकडाउन में, तब मैंने जीडीसी का 2 इयर्स कोर्स परचेज किया. 2 इयर्स के जीडीसी प्राइम में आप एनरोल्ड हुए. अब प्राइम एनरोल्ड हो गए, वो सारी चीज़ें आ गई, क्लासेस शुरू हुई एट द बिगनिंग. एक क्योंकि आप 2 साल ऑलरेडी कोविड लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस ही करके आए थे, अब यहाँ पे भी ऑनलाइन करेंगे क्लासेस. एक मन में सवाल आया था क्या यहाँ पे हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो पाएगी? सर, पहले तो था डाउट कि ऐसा कहते लोग के गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है. तो मुझे लगता था कि ऑफलाइन क्लासेस का एक अलग वैल्यू थी उस टाइम, और ऑनलाइन क्लासेस में क्या मुझे वो सेम चीज़ें डिलीवर कर पाएंगे टीचर्स. फिर स्लोली स्लोली जैसे क्लासेस की तो पता चला कि नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन से उतना मैटर नहीं करता. इट मैटर्स ऑन योर हार्डवर्क एंड योर पोटेंशियल टू कैच व्हाट टीचर्स डिलीवर. और एक सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि हमारा एक लाइन आता है कि अगर हमें किसी चीज़ के लिए अपने आप को प्रूफ करना है, लाइक एक सिंपल बोले तो पद प्रतिष्ठा और सम्मान, ये 3 चीज़ें हमारी ऐसी हैं जिनके लिए हमें सुख शांति को थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है दोनों चीज़ों को लाइफ में अपने. आपके लिए आपके इस प्रिपरेशन जर्नी में सेक्रीफाइसेस क्या थे जो आपको मिस किए कि यार ये छूट गया मेरी जर्नी में?
सर सेक्रीफाइसेस सर तो ऐसे तो बहुत हैं सर, लेकिन जो सर मुझे गिटार बजाना काफ़ी पसंद था और मैंने सर लिया भी था, मैं सीख भी रहा था और ठीक ठाक सीख रहा था, फिर मुझे वो सेक्रीफाइस करना पड़ा। और सर मैं टेबल टेनिस खेलता था, वो मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ा। और फिर सर थोड़ा सोशल सर मेरा जो सोशली आइसोलेट होना पड़ा दोस्तों से, बस फैमिली से बातचीत होती थी सर। तो सेक्रीफाइस क्या रिजल्ट आने के बाद ये सेक्रीफाइसेस याद आए? सर नहीं सर, रिजल्ट आने के बाद सेक्रीफाइसेस तो याद नहीं आए सर, क्योंकि जो खुशी थी रिजल्ट की वो ओवर पावर हो गई थी सेक्रीफाइस के ऊपर सर। क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है ना कि हम जर्नी जब चलते हैं तो उस जर्नी में हमारे पास बहुत सारी चीजें छूटती हैं सर, लेकिन वो जर्नी जब हमारी कंप्लीट होती है तो शायद हमें एक अलग ही खुशी का एहसास होता है सर। गुड। अच्छा अब मैं थोड़ा सा प्राइम कोर्स में बात करूँ सर, सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा चलें, आपका कैसा था टीचर्स के साथ इंटरेक्शन और ऑनलाइन में कैसे सब्जेक्ट्स आपको टीचर्स ने पढ़ाए? मैं सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा बात करूँ तो कैसा था? सर ऑनलाइन में एक्सपीरियंस काफ़ी सर इनसेन था सर, मुझे इतनी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन सर इससे पहले शायद ही कभी मिली होगी। और इसमें सर सारे टीचर्स जो जो मुझे मिले थे सर वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स थे, जैसे फार्माकोलॉजी आपने मुझे पढ़ाया था, पीयूष सर ने फार्माकोग्नोसी पढ़ाई, और राहुल सर को मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा सर, क्योंकि उन्होंने बेसिक्स काफ़ी बेसिक से वो स्टार्ट करते थे और काफ़ी हाई लेवल तक लेके जाते थे सर। उन्होंने सूटिक्स मेरा बैकबोन उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया था, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के टीचर भी अपना बेस्ट देते थे और काफ़ी अच्छा लगता था सर। पूरी चीज़ें हमें अच्छी लगी वो सारी चीज़ें। नाउ अब मैं थोड़ा सा, प्रिपरेशन हमारी हो गई, क्लासेज हम चले, टेस्ट का कैसा आपने शेड्यूल बनाते थे कि मुझे कब टेस्ट देना है, कौन सा टेस्ट देना है, क्या था आपके स्ट्रेटजी उसमें? सर टेस्ट का ये था कि वीकली टेस्ट छोड़ने नहीं है। हाँ जी। और DPPs में करता था। ओके। फिर सर मेरा ऐसा कोई फिक्स्ड एक शेड्यूल वीक का मतलब सर कितने घंटे पढ़ने वो नहीं था, एक टारगेट था मेरा वीक का कि हाँ मुझे इस चैप्टर के इतने पोर्शन खत्म करने हैं, इस चैप्टर के इतने पोर्शन खत्म करने हैं, और वो मैं कैसे भी करता था इतने मुझे टेस्ट लगाने हैं। आफ्टर दैट टेस्ट लगाने के बाद मैं सर, मेरा ये मानना है सर कि टेस्ट की एनालिसिस मेरी पर्सनल ये थिंकिंग सर एक बार में नहीं होती है, उसको अगर आपने एक बार किया तो हो सकता है उसमें से कुछ चीज़ आपकी मिस हो जाए और कुछ चीज़ आप उसको गलत समझ लें, तो उसको मैं एक बार करने से करता, फिर उसको एक हफ्ते बाद में दोबारा देखता था कि हाँ कुछ तो छूट नहीं गया, और फिर उसको दो पार्ट में डिवाइड करता था, जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और जो अंडरस्टैंडिंग में मेरी जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो मैं गलत करता था, फिर उसको हिसाब उसके बाद मैं आगे फॉलो अप करके सही करता था सर। बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे एफ जी है, आप 2 ईयर प्राइम कोर्स में एनरोल्ड हुए। यस सर। क्या आपने 3rd ईयर में भी पेपर दिया था जीपैट का? जी सर 3rd ईयर में पेपर दिया था मैंने। और रिजल्ट क्या था? सर 3rd ईयर में पेपर दिया था बट मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था, 140 आया था और क्वालिफाइंग 148 था सर। नहीं हुआ। अल्टीमेटली मैं बात कर, देखिए 1 मार्क्स से हो चाहे 4 मार्क्स से हो, नहीं हुआ तो नहीं हुआ सर, फेलियर तो फेलियर। क्लियर। यस सर। क्वालिफाई नहीं हुआ? नहीं हुआ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मैं जीपैट कर रहा था तैयारी JDC के साथ और मेरा 3rd ईयर में क्वालिफाई नहीं हुआ, क्या नेक्स्ट ईयर हो पाएगा? क्वेश्चन आया क्या सर मन में? एक सर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि मैंने पहले चीज़ें पढ़ी है, फिर सोचा था क्या मैंने पढ़ा है वो बेकार चला गया या फिर मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ। फिर मैंने बातचीत की टीचर से तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा होता है, काफ़ी नॉर्मल है, हाँ बस तुम्हें आगे सही करना है। तो फिर मैंने गलतियों को अपनी देखा, जो मैंने गलतियाँ मैं करता था ट्राई किया उसको मैं दोबारा रिपीट ना करूँ, और फिर अपने स्टडी प्लान में कुछ मैंने चेंजेस किए थे उसके बाद से। मैं इस चीज़ पर ज़रूर आना चाहूँ कि आपने जब अपनी मिस्टेक्स एनालाइज की, गलतियां एनालाइज की, आपने ऐसी कौन कौन सी गलतियां की जो शायद आपके जूनियर्स को पहले से उन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए? 3-4 चीज़ों पे मैं सर फोकस करना चाहूँगा सर, जो जीपैट एस्पिरेंट्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको मालूम होनी चाहिए, पहले कि पढ़े कम और टेस्ट ज़्यादा लगाएं। करेक्ट। पढ़ने से क्या होता है, हम लोग को लगता है कि वी आर स्टडिंग सो वी विल डू वेल, एक मन में एक्सपेक्टेशन होता है कि हाँ पढ़ रहे हैं तो रिजल्ट आएगा, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं वो ज़रूरी है? क्या वो टेस्ट में जीपैट में क्वेश्चंस उससे आते हैं? क्या मैं काफ़ी डेप्थ में पढ़ रहा हूँ या सुपरफिशियल पढ़ रहा हूँ या काफ़ी ज़्यादा मैं डेप्थ में चला जा रहा हूँ? तो उसकी एक सर बाउंड्री करनी पड़ती है। तो पढ़े कम टेस्ट ज़्यादा लगाए, और टेस्ट की एनालिसिस भी सर एक आर्ट है मेरे हिसाब से, कि टेस्ट की एनालिसिस भी आपको 1-2 बार करनी चाहिए। अगर किसी किसी के सर का मेरे ही सर मार्क्स स्टक हो गए थे, तो मार्क्स स्टक होने के 2 रीज़न होते हैं, या तो मैं पढ़ नहीं रहा सही से या तो एनालिसिस सही से नहीं कर रहा, तो दोनों चीज़ों को आपको साथ लेकर चलना है। और ये मेरा मानना है कि एक शेड्यूल स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे 4 बजे उठना है, मतलब मैं अपने बता रहा हूँ 4 बजे उठना है, या फिर मुझे 5 बजे उठना है, 5:15 में ब्रश करके 6 बजे से पढ़ने बैठ जाना है फॉर एग्जाम्पल। तो एक आपका सेट ऑफ टास्क होना चाहिए कि हाँ मुझे 1 हफ्ते में ये टास्क ख़त्म करने हैं, और अगर मैं ख़त्म कर रहा हूँ तो सही है, अगर नहीं ख़त्म कर रहा तो बगल में एक रीज़न आप एक डायरी में लिखिए कि हाँ क्यों नहीं, कि मैंने मान लीजिए यूट्यूब में ज़्यादा शॉर्ट्स देख लिए या इंस्टाग्राम में, और अगली बार से उस चीज़ों को आप मिनिमाइज़ करें। क्योंकि कई बार होता है हम लोग बहुत पढ़ते हैं, हमको लगता है कि आज बहुत पढ़ा लेकिन पेपर में 2 लाइन लिख नहीं पाते आपने जो पढ़ा है, वो चीज़ों का एक
तो ये सर दो तीन चीजें मैं बताना चाहूंगा। बहुत अच्छे सजेशंस हैं और माय डियर स्टूडेंट्स, इन सजेशंस को आपको फॉलो भी करना चाहिए, क्योंकि ये सीनियर्स ने जो अपने एक्सपीरियंस है ना वो आपके सामने रखे हैं, और अगर आप इनको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट और भी अच्छा हो सकता है नेक्स्ट ईयर। और सर मैं एक और चीज बताना चाहूंगा सर, प्लीज, अगर किसी को कोई क्लासिफिकेशन याद नहीं होता या फिर किसी को कोई मेडगेम का स्ट्रक्चर याद नहीं होता, जो पर्सनली दीवार पे आप चिपका सकते, लेकिन जो पर्सनली मैं करता कि फोन का उसको वॉलपेपर लगा लेता था, क्योंकि हम लोग हमेशा टाइम के लिए उसको टाइम देखने के लिए फोन खोलते हैं, तो और स्क्रीन वॉलपेपर लॉक दोनों अलग रखता था, दो चीजें जो याद करनी होती थी। कभी कभी मैं दोस्त के नाम के आगे भी उसका केमिकल नेम लिख देता था, तो याद करना पड़ा था कि हाँ किसका फोन है, कौन सा दोस्त है। तो वैसे क्या है कि चीजें आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में आ जाती है और आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। थोड़ी चीज है ना प्रैक्टिकलिटी, हमने प्रैक्टिकलिटी कैसे देखी वो एक बहुत जीता जागता एग्जाम्पल है कि इनको फॉलो जरूर करना चाहिए। और हाँ, हर सीनियर से, हर एक्सपीरियंस से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। बहुत अच्छे सजेशंस रहे आपके कुणाल, और आई रियली अप्रिशिएट कि हाँ ये सारी चीज़ें अगर कोई भी स्टूडेंट्स फॉलो करेगा तो डेफिनेटली उसकी रैंक जरूर अच्छी आएगी। फ्यूचर प्लान फॉर द कुणाल? सो फ्यूचर में मुझे सर फार्मास्यूटिक्स से एम फार्म करना है, गुड, नाइपा से करना है, हाँ जी, और सर मुझे नोवल ड्रग डेवलपमेंट में मेरा सर मुझे रिसर्च का थोड़ा सा उसमें एनडीडीएस से आरएनडी के सेक्टर में मुझे एंट्री करना है। चलिए, थैंक यू सो मच कुणाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ये आपका ड्रीम फुलफिल हो। हमारी पूरी टीम जीडीसी की तरफ से आपको बेस्ट विशेस, बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू सो मच।